राधे राधे दोस्तों, हिंदुस्तानी फूड एंड ट्रेवल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं ब्रह्मांड घाट मंदिर में, जो मथुरा के अंदर गोकुल में पड़ता है, जो मथुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और इस ब्रह्मांड घाट की कहानी क्या है, इसका क्या मान्यता है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में पूर्णतः वर्णन करके व्याख्यान करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ठाकुर जी की कहानी है वो बचपन की है। जब बचपन क्रीड़ा करते हुए एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने मिट्टी खा ली थी। तो बात ऐसी थी कि माँ शारदा अपने काम कर रही थी, तो बलराम जी आए और उन्होंने कहा कि मैया मैया कि तेरे लला ने मिट्टी खा ली है। तो यशोदा माँ ने कहा ना, मेरे लला मिट्टी ना खावे। उन्होंने कहा ना, तेरे लला ने मिट्टी खा ली है। तो माँ यशोदा तुरंत गई कृष्ण जी के पास, अपने लला के पास, कि लला लला तूने मिट्टी खाई क्या? तो कृष्ण जी ने सिर ला दिया कि ना है, मैंने मिट्टी ना है खाई। तो यशोदा माँ ने कहा कि दिखा, मुंह खोल के दिखा। तो वो कही ना मुंह ना खोलूँगा मैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पकड़ा, यशोदा माँ ने कृष्ण जी का हाथ पकड़ा और मुँह खोलने के लिए आगे बढ़ी, तुरंत उन्होंने अपना मुँह खोल दिया। और भैया जैसे ही मुँह खोलो, तुरंत मुँह खोलने के बाद जय उन्हें पूरी उनके मुँह के अंदर ब्रह्मांड दिखाई दे गए। जितने भी ग्रह है, जितने भी दर्शन है विष्णु जी, सब रे उनके मुँह के अंदर दिखाई दे गए। जैसे उन्होंने मुँह के अंदर देखी, उन्होंने तुरंत शिव जी महादेव से प्रार्थना करी, हे महादेव जी का माया है, मेरे लला के ऊपर कितने माया कर देगी, जी का है वो। तुरंत उन्होंने से महादेव से कहा, महादेव जो भी मेरे लला के साथ हरण जो भी है, ये भी माया है, वह ख़त्म करो, मेरे लला में मुँह दे दो अच्छी तरीके से। तो तुरंत महादेव ने कहा हुआ, महादेव ने दर्शन दिए उन्हें, उनसे कहा देख यशोदा जो तू देखी है वो सच तेरे बालक तो है ही है, साथ में ठाकुर जी का रूप है, विष्णु जी का रूप है वो, तो जो भी है उनकी सेवा कर तू। तो तुरंत तो उन्होंने जो चिंता थी यशोदा माँ की, वो शिव जी महादेव ने हर ली। तो ब्रह्मांड घाट के अंदर ये मान्यता है कि यहाँ पे मिट्टी का प्रसाद दिया जाता है, और जो भी मिट्टी का प्रसाद जो खाता है उसकी मान्यता पूरी हो जाती है, जो भी मांगना चाहता है उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पे आएं और मिट्टी का प्रसाद लें और अपनी जो भी मनोकामना है पूरी करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही भक्तजनों आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और आप जो भी ब्रज की व्याख्यान जो भी कहानी है उसको हम पूरी आगे बढ़ाते रहेंगे। बोल ठाकुर जी महाराज की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल चिंतारण महादेव की जय, बोल ब्रह्मागढ़ महादेव महाराज की जय। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ब्रह्मागढ़ बहुत ही अच्छा है, यहीं से एक लोटा जल लेके चिंतारण जाते हैं। और ये देखिए कछुआ, ये कछुआ जैसे हमारे ये ऊपर चढ़ रहा था और जैसे हम पास में आने लगे तो ये नीचे गिर गया। देखिए आप दो देख सकते हैं कि ये नीचे चला गया। चलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राधे की जय।